अगर आप बेंजो सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिए, हम आपको इस वीडियो पे बेंजो बजाना सिखाएंगे। तो अभी आप बेंजो को देख पा रहे होंगे, हमारा जो बेंजो है 29 बटन का बेंजो है और खुला मैंने इसे डी शार्प पे ट्यून किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी अगर इस लेसन को फॉलो कर रहे हैं तो डी शार्प पे अपना बेंजो खुला ट्यून कर लीजिए। ये खुला भी डी शार्प पे ट्यून है। अभी देखिए, कोई भी गाना अगर बेंजो पे आपको बजाना होता है तो उसके लिए आपको एक स्केल फिक्स करना होता है। स्केल क्या होता है और उस पे हमको कैसे चलना होता है, आज के इस वीडियो पे इसी के बारे में हम सीखेंगे। स्केल को जानने से पहले हमको सरगम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेंजो पे सारेगामा पधनिशा कहां पास से होता है, इसको पहले हम जानते हैं, ठीक है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि बेंजो पे सारेगामा पधनिशा कहां पास से होता है, तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। बेंजो पे सारेगामा पधनिशा पहले से ही नहीं होता है, या फिर इसमें भी पहले से ही नहीं होता है। आप जिस जगह को सा बनाएंगे उसके अनुरूप वहां से सारेगामा पधनिशा बन जाता है, ठीक है। जैसे हम इसको सा बनाएंगे, ठीक है, इसको सा बनाएंगे तो यहां से फिर हमको सरगम बजाना पड़ेगा, सारेगामा पधनिशा। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे, चलिए यहाँ पे समझते हैं पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो सरगम होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। सा होता है, फिर कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल घ, शुद्ध घ, मा, तीव्र मा, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नि, शुद्ध नि, फिर अगले सप्तक का सा आता है, ठीक है। इसमें जो शुद्ध स्वर होते हैं वो सात होता है, सा रे ग म प ध नि, ठीक है, ये सा अगले सप्तक का हो गया। कोमल स्वर जो होते हैं वो चार होते हैं, रे ग ध नि, ये कोमल स्वर इसके होते हैं। तीव्र स्वर जो होते हैं वो मा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मा का तीव्र स्वर और रे ग ध नि का कोमल स्वर, बाकी सारे शुद्ध स्वर होते हैं। सा और जब प होते हैं वो अचल स्वर होता है, उसका आगे पीछे और कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को, इस चार्ट को देखकर आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, मा का तीव्र रूप होता है, रे ग ध नि का कोमल रूप होता है, सा और प अचल स्वर है। फिर सारे स्वरों के बारे में आपने जान लिया। देखिए, रे का कोमल रूप है, ग का कोमल रूप है, मा का तीव्र रूप है, प और सा अचल है, ध का कोमल रूप, नि का कोमल रूप है। तो यहाँ पे जैसे कि सा है, ठीक है, ये पहला नंबर का बटन सा है, फिर कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल घ, शुद्ध घ, मा, तीव्र मा, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नि, शुद्ध नि। तो इस प्रकार से अगर हम इस जगह को सा बना लेते हैं, ठीक है, इस जगह को अगर हम सा मानेंगे तो जस्ट दूसरा बटन ये कोमल रे होगा, तीसरा बटन ये शुद्ध रे होगा, ठीक है, चार के हिसाब से ही चलिए, ये पहला बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन, देखते जाइए। ये अगर हम इसको सा मानते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बेंजो पे एक नियमावली, आपको पांचवा बटन को सा मानना होता है, एक दो तीन चार पांच, पांचवा बटन को जब हम सा मानते हैं तो जो हम खुला तार मारते हैं वो हमारा प होता है, ठीक है। हमें जब भी कोई गाना बजाना होता है तो हमें ऐसे मारेंगे तो वो खुला प हमको मिलना चाहिए, प। हम इस जगह को अगर सा बना देंगे तो हम जो मारेंगे वो प नहीं रहेगा, ठीक है, वो कोमल धा रहेगा। अगर हम इस जगह को सा बना के बजाएंगे तो ये अगर सा रहेगा तो नीचे की ओर अगर हम जाए तो सा के बाद आ जाएगा नी, कोमल नी, धा, और ये कोमल धा हो जाएगा। इसीलिए हम इसको सा बनाएंगे, तब ये सा बन जाएगा तो ये सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नी, ये हो जाएगा हमारा कोमल नी, ये हो जाएगा हमारा धा, ये हो जाएगा हमारा कोमल धा, और जो हम खुला मारेंगे वो प। तो बेहतर तरीके से संगीत सीखने के लिए आज ही रियाज ऐप डाउनलोड कीजिए। रियाज ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप घर बैठे संगीत सीख सकते हैं। रियाज ऐप में आप स्वर ज्ञान कर सकते हैं, गीत गाना सीख सकते हैं और राग थाटों के बारे में बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। तो रियाज ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर के डाउनलोड कीजिए। और रियाज ऐप में कैसे सीखना है इसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, रियाज ऐप ट्यूटोरियल वासु पटेल, तो आपके सामने आ जाएगा। पांचवा बटन को आप सा बनाइए, ठीक है। अगर आपको हाई में बजाना है तो आप इधर को सा बना सकते हैं, इधर को सा बना सकते हैं, लेकिन एक नियमावली, आपको यहाँ पास को सा बनाना होता है। अभी देखिए, यहाँ पास को जैसे हम सा बनाते हैं तो चार्ट के हिसाब से चलते हैं हम, सा के बाद से कौन कौन रे होता है, कौन ग होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। अगर आप कोई भी जगह को सा बनाते हैं बेंजो पे, जैसे यहाँ पास को सा बना दिए, ठीक है, एक जगह को सा आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी गाना आप बेंजो पे बजाना चाहते हैं तो उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से हमको सा के बाद गाना बजाना होता है। तो ये अगर हम सा बनाते हैं तो दूसरा बटन जो होता है वो कोमल रे, तीसरा बटन शुद्ध रे, चौथा बटन कोमल ग, पांचवा बटन शुद्ध ग, फिर छठवा बटन म, सातवा बटन तीव्र म, आठवा बटन हो जाएगा प, नौवा बटन कोमल धा, दसवा बटन शुद्ध धा, और ग्यारहवा बटन कोमल नि, फिर बारहवा बटन शुद्ध नि, और ये वाला बटन जो होता है फिर से तार सप्तक का सा हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य सप्तक वाले तो ये तार सप्तक का सा, यानी अगले सप्तक का सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए,
फिर से अगर आप यहां से सा मानते हैं, अभी हमने यहां से सा माना, तो देखिए सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है, ये हमारा सारे गामा पधा नि सा था। एक बार हम सरगम को बजा के आपको दिखाते, अगर आपका बेंजो इसी स्केल में है तो यहां से जब आप सरगम बजाएंगे तो ये पूरा नीचे नीचे ही आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताऊं, सा के बाद एक बटन छोड़ के रा, रे एक बटन छोड़ के ग, ग और म तुरंत आता है, ठीक है, ग और म तुरंत आता है, सा रे ग म, फिर एक बटन छोड़ के प, एक बटन छोड़ के ध, एक बटन छोड़ के नी और सा तुरंत आएगा। तो देखिए एक बटन किसमें छोड़ना है, सा रे ग और म के पास नहीं छोड़ना है और नी और सा के पास नहीं छोड़ना है, बाकी सब में एक एक बटन छोड़ना है, देखिए, ठीक है। अब इसको हम यहां से सा बनाते हैं तो सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखिए ये हमारा सा, एक बटन छोड़ के रे, एक बटन छोड़ के ग और मा तुरंत हो जाएगा, तो ग मा ये हो जाएगा सा रे ग मा, ठीक, एक बटन छोड़ के प, एक बटन छोड़ के ध, एक बटन छोड़ के नी, फिर सा। अब यहां से सरगम बजाएंगे तो ऐसे कहीं से भी सरगम बजाएंगे तो इस प्रकार से आपको पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला चार्ट आप देख लीजिए एक बार और इसको फॉलो आप करना, कहीं से भी आप सारे गामा पधा नि सा बना सकते हैं। अब सारे गामा पधा नि सा बनाने के बाद गाना कैसे बजाते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक ट्यून हम बजाते हैं केजीएफ मूवी का, अभी हम यहाँ पास को सा मान के बजा रहे थे, ठीक है। तो हमने गाना कहाँ से चालू किया था, सा रे ग मा, ये मा है, ये मा है, ठीक है, तो मा से चालू किए थे, अभी हम यहाँ पास को सा मान के बजा रहे हैं। अभी इसी को अगर हमको यहाँ पास को सा मान के बजाना है तो इसका मा कौन सा है, सा रे ग मा, अब ये कैसे बजेगा, अब ये यहां पास को सा मान के बजा रहे, इसी प्रकार से आप कहीं पास को भी सा मान के बजा सकते हैं। ये एक सरगम का जैसे खेल होता है, तो सरगम को आप जानेंगे, स्केल को जानेंगे तभी आप बेंजो पे गाना बजा सकते हैं। तो सरगम को जानना जरूरी है और स्केल फिक्स करके रखना जरूरी है ताकि कोई भी गाना आप बजाओ। बेंजो सीखने के लिए पहले आपको पियानो सीखना पड़ता है, पियानो में कोई भी गाना आप जैसे ट्यूटोरियल देख के सीखे, नोट्स देखकर, ठीक है, जैसे परदेसी परदेसी है, गारे सा गारे सा, सारे साधा सारे साधा, ठीक, ये गारे सा गारे सा सारे साधा, यहाँ से हुआ, यहाँ पे गारे सा करेंगे तो ग कौन सा है, सारे गा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, वहां पे भी हो गया। तो इसी प्रकार से सरगम को अगर जानते हैं आप, सरगम को जाना बहुत जरूरी, ठीक है, बाकी राग ठाट अगर आपका सीखने की इच्छा होता है तो सीखिए, लेकिन सरगम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चार्ट आप अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, एक जगह को सा मानिए और हमेशा वहीं से ही प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे में क्या है, कोई भी गाना अगर आप बजाएंगे, कोई भी गाना आप बजाएंगे तो यहां से पकड़ के, यहां से पकड़ के, यहां से पकड़ के ऐसे बजाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए एक बार पहले स्केल फिक्स कर लीजिए, उसके बाद स्केल फिक्स करने के बाद आप उसी जगह को सा मान के बजाइए। इसके आगे वाले वीडियो पे हम सीखेंगे कि स्केल फिक्स करने के बाद उस पे हमको गाना कैसे निकालना होता है। फिलहाल ये जो सरगम वाला अभ्यास है इसको अच्छे से जान लीजिए कि सा हम कहीं पास को भी बना सकते हैं व्यंजन पे अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, लेकिन हमको नीचे की तरफ प तक बटन मिलना चाहिए और अगर हम यहाँ पास को सा बना दिए तो ऊपर की तरफ हमको सा तक बटन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पास को सा बना के बजा देंगे, ऐसा सा बना के बजा देंगे, लास्ट सा तक, उसके बाद उधर और प तक बटन हमको मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पास को सा बना दी, सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प तक हमको फिर बटन मिल जाता है। तो ऐसे यहाँ पास को सा बनाते तो सा, ठीक है, सा नि ध प इधर अलग, प तक अलग मिल जाता है, फिर यहाँ से सा रे ग म प ध नि सा, फिर इधर अलग बटन मिल जाता है। तो बटन दोनों तरफ हमें
मिलना चाहिए ऐसे जगह को हमको शाह बनाना होता है। एक तो आप यहाँ पास को शाह बनाइए, एक तो आप यहाँ पास को शाह बनाइए, एक तो आप यहाँ पास को शाह बनाइए, ठीक है। ज्यादा सुविधा यहाँ पास को और यहाँ पास को शाह बना के बजाने में। प्रोग्राम में बजाते तो यहाँ से, और अगर बैंड पार्टी में बजा रहे तो यहाँ से आप बजाइए तो बेहतरीन बजेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पे सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए सिक्के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।